पंद्रह मरवाही उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आज कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरेंगे और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से अमित जोगी और ऋचा जोगी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव नामांकन के पहले रैली और सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कैबिनेट के साथ मंत्री शामिल होंगे। पेंड्रा के केशव बाड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। सभी दल जहां अपना दम दिखाएंगे, तो वहीं ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र प्रकरण को जिला छानबीन समिति मुंगेली ने खारिज कर दिया। अब जनता कांग्रेस मरवाही में अपना गढ़ बचाने का प्रयास करेगी, तो वहीं भाजपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। विप्लव गुप्ता हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पैंड्रा से जुड़ गए हैं। विप्लव, मरवाही उपचुनाव को लेके क्या कुछ समीकरण इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? एक तरफ तो नामांकन दाखिल किया जा रहा है, दूसरी तरफ जाति का प्रकरण चल रहा है। रजी, यहाँ पे अभी अमित जोगी कांग्रेस की तरफ से अमित जोगी और ऋचा जोगी ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन अभी भी जाति की जो गाज है वो उनके ऊपर लटकी हुई है। अधर में उनका नामांकन, प्रशासन की तरफ से ऐसे संकेत बार बार आते रहे हैं कि शायद जनता कांग्रेस जो है वो चुनाव से ही बाहर हो जाए। दूसरी तरफ आज कांग्रेस का भी नामांकन दाखिल किया जाना है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर ध्रुव के ध्रुव नामांकन दाखिल करेंगे। अभी तक अजीत जोगी नामांकन दाखिल करके निर्वाचन कार्यालय से बाहर नहीं आए हैं, उनका नामांकन दाखिल किया जा रहा है, लेकिन जाति की आंच अभी तक लटकी हुई है। अब ये पूरा जो परिदृश्य है ये अभी 17 तारीख के बाद 18 तारीख को क्लियर होगा, जब स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों का नाम जो है वो ऐलान किया जाएगा। जनता का मूड क्या कह रहा है विप्लव? जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड क्या है? जनता का मुंह तो यहाँ की जनता तो ये पूरी चाह में है कि अमित जोगी चुनाव लड़े, क्योंकि अजीत जोगी जो जिनको वो जन नेता मानते थे, अपना मसीहा मानते थे, उनके पुत्र हैं और उनकी पूरी सिंपथी जो है वो अमित जोगी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जहाँ भूपेश बघेल का भी आज एक बयान सामने आया है कि सच्चे आदिवासी ही मरवाही का चुनाव लड़ेंगे, तो ये आदिवासी होने और ना होने की लड़ाई नहीं, ये चुनाव अभी केंद्रित होता जा रहा है। और क्या क्या नई चीजें देखने को मिल रही है? अभी नई चीजों में तो अभी फिलहाल जो है पूरी जो नजर जो है यहाँ क्षेत्र की वो अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन पर ही टिकी हुई है कि वो नामांकन स्वीकृति, उनको नामांकन स्वीकृत होता है या उनका नामांकन खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद ही नया परिदृश्य सामने आता है कि उनके चुनाव लड़ने और ना लड़ने के बाद क्या स्थिति बनती है क्षेत्र में, वो उभर कर सामने आएंगी। क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक ही सीट पर जोगी परिवार के दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, तो क्या लगता है क्या रुख रहने वाला है? ये डर तो जोगी परिवार में ही रहा है, इसलिए एक ही पार्टी से दो लोगों के नामांकन दाखिल करवाए जा रहे हैं। अमित जोगी खुद नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उनके नामांकन की खारिज होने की स्थिति में ऋचा जोगी का नामांकन स्वीकृत हो जाए, इसलिए ऋचा जोगी का भी नामांकन दाखिल करवाया गया है। चूंकि ऋचा जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र कल मुंगेली की जिला स्त्री छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है, उसके बाद अमित जोगी ने और दोनों ने हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट में भी रिट दाखिल की हुई है कि उनकी जाति प्रमाण पत्रों का फैसला निर्वाचन ऑफिस में ना हो करके न्यायालय के माध्यम से हो, जैसे आगे होता, जिससे इसके पहले होता है। तो कई कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों के चेहरे आज मरवाही में हमें देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम और 7 कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे। इस दौरान जिस तरह से जोर शोर से अपना नामांकन, यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, उसको लेके किस तरह की तैयारी है और अभी तक क्या प्रोसीजर वहां पे देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू सहित और कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, विधायक सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं यहाँ पेंड्रा में अभी, और वो केशव कुंज से लेके नामांकन रैली यहाँ आएगी। अब मुख्य बात यह है कि कल जैसे भाजपा के प्रत्याशी को सिर्फ 5 गाड़ियों के साथ नामांकन निर्वाचन कार्यालय तक आने दिया गया था और सिर्फ 5 व्यक्ति ही निर्वाचन कार्यालय में प्रवेश कर पाए थे, वैसा ही आज हुआ है अमित जोगी के साथ। तो क्या प्रशासन जो है शासन की रैली को या उनके काफिले को रोक लिया? आप नजर बनाए रखिएगा विप्लव, लगातार आपसे हम अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जोगी जिंदाबाद, अजीत जोगी जिंदाबाद, अजीत जोगी।
पेंड्रा मरवाही से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव की नामांकन यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इनके साथ कैबिनेट मंत्री, बड़ी संख्या में संसदीय सचिव, विधायक समेत प्रदेश के आला कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद पेंड्रा के केशव बाड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करने के लिए प्रदेश भर से नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस किसान कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। जोगी के सीएम काल से भाजपा के पूरे काल तक यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जो विकास हुआ वो 2 साल में ही हुआ है। संसदीय सचिव कुंवर देव निषाद ने कहा है कि कांग्रेस बेहद अच्छी स्थिति में है और 15 से 20 साल की तुलना 2 साल में करके यहाँ की जनता मरवाही के विकास को देख रही है। आस्था के 9 दिन चलने वाले